हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ वेस्ट एंड बेस्ट में। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक कटर जो कि बिजली से चलेगा और आपकी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ काट देगा, जैसे कि थर्मोकोल। थर्मोकोल को हमें जब काटना होता है तो हम जो इसे काटते हैं तो वो बहुत कचरा फैलाता है, लेकिन इससे अगर आप उसे काटोगे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलेगा और आपको जैसा काटना है वैसा इसी वो आपकी मक्खन की तरह उस चीज़ को काट कर दिखा देगा। तो हम इस चीज़ को बनाने वाले हैं पुराने आयरन से, जैसे कि पुराना आयरन होता है, सोल्डर आयरन होता है, या फिर जो प्रेस होता है वो जब बिगड़ जाते हैं तो उसका अंदर होता है नाइक्रो वायर जो कि गर्म होता है, इसी से हमारा आयरन होता है। हमें चाहिए उसमें से नाइक्रो वायर। नाइक्रो वायर बहुत सी चीज़ों में से निकलता है, जैसे कि सोल्डर आयरन हो गया, प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रेजिस्टेंस। अगर आपको नाइक्रो वायर नहीं मिलता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में किस किस चीज़ से नाइक्रो वायर निकलता है वो आपको मैं वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। अभी एक बार चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस इलेक्ट्रिक कटर को बना सकते हैं। सो गाइस, हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक प्लास्टिक सीट जो कि मैंने पुराने पीवीसी पाइप में से बनाया है। अगर आपको पुराने पाइप में से प्लास्टिक सीट नहीं बनानी आती तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसे बनाना बहुत आसान है। इसे आप किसी भी गैस चूल्हे पे गर्म कर लीजिए पाइप को और फिर इसे फ्लैट सरफेस पर रख के इसके ऊपर कोई भी वजन रख दीजिए। जब ठंडी हो जाएगी तो ये सीट बन जाएगी। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, सीट बना कर इसका बॉक्स बना सकते हैं। तो अब हमें इस सीट में दो होल करने हैं, यहाँ पर होल कर दी है दो देखिए। और अब हमें एक नट और बोल्ट की ज़रूरत है लंबे वाले, और हम इस सीट के जो होल किए हैं उसमें हम इसे डाल देंगे और अच्छे से नट से इसे टाइट कर देंगे ऊपर से नट। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं ये दूसरा बॉल भी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अब हमें एक और वोल्ट लेना है और इसके ऊपर ही हम इसे चढ़ा देंगे ताकि हम जब इसको किसी भी चीज़ को काटे तो अभी इसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं और जो हमें जितना चाहिए उतना हम काट सकते हैं इसे। अब हमें चाहिए एक नाइक्रोम वायर जो कि पुराना सोल्डर आयरन होता है उसमें ऐसे निकलता है। ये पुराना वाला जो सोल्डर आयरन होता था उसमें ऐसा नाइक्रोम वायर होता था, इसके ऊपर नाइक्रोम वायर है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत पतला सा नाइक्रोम वायर है और ये हीट को बहुत हीट होता है और ये आसानी से पिघलता नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये लेंगे। और यह जल गया था इसलिए मैंने इसे निकाली। अब पुराने प्रेस में से इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कहाँ से निकालना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये हम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कितना पतला है। अब हम इसे इस बार इस बोल्ट पर हम लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से यहाँ पे राउंड मान लेंगे तो दो चार ताकि यहाँ से निकले ना। और अब एक वायर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और ऊपर से दूसरा बोल्ट भी हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और इसका नाइक्रो वायर का दूसरा भाग यहाँ पर हम इसे यहाँ इस तरफ लपेट देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको नाइक्रो वायर टाइट रखना है, आपको ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब गर्म होगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये खुद से ही एकदम लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इसको एकदम टाइट रखना है। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। नाइक्रो वायर कितना पतला आपको दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए ये बहुत पतला नाइक्रो वायर है। इसे चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट
का एडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 1.8 का है। अगर आप चाहें तो 12 वोल्ट की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन आप तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करते हैं तो माइक्रो वायर थोड़ा लंबा रखिएगा ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका एम्पियर सिर्फ 1 एम्पियर का ये चार्जर है। और अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी का एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप चाहें तो चार्जर का ही इस्तेमाल कीजिए। और मैं यहाँ पर मैंने इसके वायर कनेक्शन कर दिए हैं और देखते हैं इसे पावर स्विच ऑन करते हैं। और देखिए ये जब थर्मोकोल हमें काटना होता है तो ये बहुत कचरा कहलाता है। अब हम थर्मोकोल को मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है और देखिए इस थर्मोकोल को एक ऐसे मक्खन की तरह आसानी से काट रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से ये काट दे रहे हैं इस थर्मोकोल को। अब इसे प्लास्टिक की कोई भी चीज़ काट सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये थर्मोकोल आपको काट के दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पाइप को, इस बोतल को काट के देख रहा हूँ कि ये इस बोतल को काट पाता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आप इस बोतल को ये भी काट रहा है। तो देखिए इस बोतल को इसने मार्क लगा दिया, कैसे इस बोतल को काट दिया है। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल